भागलपुर में इंटर की परीक्षा के बीच बड़ा बवाल हो गया है। दरअसल एसएम कॉलेज सेंटर पर परीक्षा देने गई 7 छात्राओं को देरी से पहुंचने के कारण परीक्षा देने नहीं दिया गया और अब उन्हें कहा जा रहा है कि अब आप अप्रैल के महीने में परीक्षा दीजिए जब कंपार्टमेंट की परीक्षा ली जाएगी और इन छात्राओं को लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल गलती छात्राओं की भी नहीं है, गलती है कॉलेज प्रशासन की और वहां पर जितने भी लोग प्रशासन में बैठे हुए थे उनकी। बिना ही बताए सिटिंग अरेंजमेंट बदल दी गई जिसका खामियाजा जो है वो छात्राओं को भुगतना पड़ रहा है। तस्वीरें देखिए, वहां पर लोग खासे नाराज नजर आ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट के जो गार्जियंस हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, वो भी अपनी नाराजगी जता रहे हैं। पहली पाली में 3 छात्रा और दूसरी पाली में 4 छात्राएं परीक्षा से वंचित रह गई हैं, परीक्षा नहीं दे पाई हैं। पहले आप सुनिए कि इन छात्राओं का क्या कहना है और उसके बाद आप ये भी सुनिए कि उनके परिजन जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। कि जो भी एग्जाम छूट गया है उसका एग्जाम अप्रैल में होगा। पहले से का कारण क्या था? कल हम एग्जाम देने के लिए आए, 2 घंटा लेट हुआ। हम लोगों का लेट नहीं हुआ, स्कूल वाले से लेट हुआ। तो हम लोगों का 7 बजे तक एग्जाम लिया गया है, तो वो ठीक है। आज सिर्फ 10 मिनट नहीं दिया जा रहा था, फिर अब छूट गया, अप्रैल में होगा। कहाँ छूटा, किसके कारण छूटा? हाँ, छूटा किसके कारण? कॉलेज के कारण। कॉलेज के कारण। कारण क्या क्या था? टाइम पर हम लोग आए थे, हम लोग को टाइम पे घुसने नहीं दिया। हम लोग टाइम पे आए थे, हम लोग घुसने नहीं दिया। कॉलेज वाला बताया कि सेमिनार हो रहा है। आप ज्यादा बोल रहे हैं, क्या मामला बताइए, क्या हुआ? टाइम पर आए थे वो वाले कॉलेज में, एसएम वाले कॉलेज में, और हम लोग घूम रहे थे कॉलेज में। हम लोग को पता नहीं था कि हम लोग का सेंटर यहाँ पहुँच गया। जब हम लोग घूमने लगे, बड़े टाइम हो गया, हम लोग एग्जाम क्यों नहीं हो रहा? तो हम लोग मैम लोग से पूछा तो कि मैम हम लोग का देखिए ना एग्जाम है, मैम क्या नहीं होगा? मैम बोली नहीं, तुम लोग यहाँ पर नहीं, हम लोग को नहीं पता, हॉस्टल में जाके पता करो। हॉस्टल में जाके पता करो तो बोला कि यहाँ तुम लोग का सेंटर पहुँच गया। तो 5 में यहाँ आए, बोले कि सर हम लोग को जाने दिए, हम लोग को नहीं पता था, हम लोग का वहाँ सेंटर, कल हम लोग एग्जाम दिए, हम लोग को घुसने नहीं दिया। कॉलेज वाले पर रोल नंबर चिपका हुआ था आप लोगों का, सेंटर चेंज होने की वजह से आपको परेशानी जी। सेंटर चेंज होने वाले इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया हम लोग को, हम लोग उसके बाद लड़की शराब के चढ़ने लगी, वहाँ से उसको ढकेलने।